नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में। दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने मोबाइल फोन की सहायता से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो क्रिएट की थी, बट उस वीडियो में मैं आप लोगों को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम कुछ टेक्निकल इशू भी थे और कुछ बैंक की तरफ से सर्वर के इशू भी थे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अपने मोबाइल फोन की सहायता से ओपन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आगे चल के आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों आपको ये बैंक वो सभी चीजें प्रोवाइड करा देता है जो कि एक बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, आपकी पासबुक, आपकी चेकबुक और बहुत सी चीजें। और दोस्तों ये अकाउंट आपका हैंड टू हैंड तुरंत ही ओपन कर दिया जाता है। इंस्टेंटली इसमें आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा दिया जाता है और इसमें विड्रॉ या डिपॉजिट आप तुरंत अकाउंट ओपन होते ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और बताते हैं आपको कि आप किस तरीके से ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन की सहायता से ओपन करने के लिए सिंपली सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। और जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे, आपको वहां टाइप करना है ऑनलाइन, जी दोस्तों ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग अकाउंट ओपनिंग। जी हाँ दोस्तों ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग अकाउंट ओपनिंग। जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो आपको सिंपली सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने टाइप किया, आपको सिंपली सर्च बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आप बहुत सी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां लिखा होगा वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। आप देख सकते हैं, तो आपको यहां सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ यहां बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको एक बेटर व्यू देखने को मिले और आप बेहद ही आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमने अपनी मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब एक बेटर व्यू देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ कुछ इस तरीके का बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरफेस आएगा, जहां ऊपर की तरफ लिखा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा यूके लिमिटेड और नीचे की तरफ आपको तीन लिंक देखने को मिल जाएंगे, जो कि पहला है न्यू कस्टमर अप्लाई नाउ, दूसरा है एग्जिस्टिंग बीओबी कस्टमर अप्लाई नाउ और तीसरा है रिट्राई योर सेव्ड एप्लीकेशन। दोस्तों इन सभी का मतलब है, पहले का मतलब है अगर आप एक पहली बार बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर बनना चाह रहे हैं, यानी न्यू कस्टमर हैं, नया खाता खोलना चाहते हैं, तो आपको न्यू कस्टमर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और वहीं अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, यानी आपका एक पहले से अकाउंट है, आपका कुछ गुम हो गया है, एटीएम, चेकबुक, पासबुक, तो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर बीओबी पे क्लिक करना है। और वहीं आपने दो चार दिन पहले कुछ कोशिश करी थी बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट खोलने के लिए और वहाँ कुछ सर्वर इशू आ रहा हो, आपका आधा एप्लीकेशन फिल हुआ हो, तो आपको रिट्राई योर सेव्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हम बिल्कुल न्यू कस्टमर है तो हमें न्यू कस्टमर पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपका पेज एक बार रिलोड होगा। आप देख सकते हो मेरा पेज रिलोड हो रहा है। दोस्तों यहाँ टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन है वो काफ़ी स्लो है। आप देख सकते हो यहाँ कितना धीरे सफरिंग हो रही है। तो इस वक्त आप देख सकते हो जो यहाँ पे मेरा पेज है वो लगभग लगभग ओपन हो रहा है। और जैसे ही दोस्तों मेरा जो पेज है आप लोग देख सकते हो वो फाइनली ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे तीन स्टेप, जैसे कि पहला स्टेप है पर्सनल एंड एड्रेस डिटेल, दूसरा स्टेप टू वेरिफिकेशन डिटेल, स्टेप थ्री कन्फर्म। तो हमें यहाँ फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले अपना टाइटल फिल करना है। आप देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप में टाइटल फिल करना है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट टाइटल पे क्लिक करता हूँ और मिस्टर पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद फर्स्ट नेम, जो भी आपका नाम है, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। और जैसे ही आप फर्स्ट नेम डालोगे, यहाँ सेकेंड ऑप्शन आएगा मिडल नेम, थर्ड ऑप्शन सरनेम,
तो मैं यहाँ सरनेम फिल कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं सरनेम फिल करूँगा, मुझे यहाँ उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद मदर्स मैडन नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे कि आपको यहाँ रेजिडेंस, टेलीफोन नंबर, कोई दूसरा टेलीफोन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर में कोई दूसरा, और ईमेल आईडी आपको यहाँ एक बार फिल करनी है, और उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी, मतलब उसी ईमेल आईडी को दोबारा फिल कर देना है। आप देख सकते हैं, और जैसे ही आप अपनी वो ईमेल आईडी को कंफर्म करते हो, नीचे आ जाता है एड्रेस डिटेल, पोस्ट कोड मतलब पिन कोड, जो कि आपके आधार कार्ड पे मिल जाता है, हाउस फ्लैट नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, है तो डाल सकते हैं आप, और उसके बाद बिल्डिंग नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, है तो डाल सकते हैं, उसके बाद स्ट्रीट नेम, ये सब ऑप्शनल है। ऑप्शनल दोस्तों ऐसे पहचानते हैं जो स्टार है, आप देखिए जिस पे स्टार है तो वो 100% आपको कंपलसरी डालना ही पड़ेगा, उसके बाद सिटी, उसके बाद कंट्री, उसके बाद रेजिडेंस सिंस यानी आप कब से रह रहे हैं वहाँ, उसके बाद सेकंड डिटेल में एडिशनल डिटेल, जो भी आपकी इनकम है, एनुअली इनकम, नॉमिनी डिटेल, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद स्टेप थ्री कन्फर्म, मतलब जो भी आपने डिटेल चेक करी हो चेक करिए, उसके बाद आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यह डिटेल फिल करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट मुझे 100% बिलीव है कि आप, इतना मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियरली स्टेप बाय स्टेप, जिसकी मदद से आप 100% जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली मेल आईडी में, जो कि मेरे अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मुझे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन के जरिए आप लोगों को बताया कि आप किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन की सहायता से ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड, आपका एटीएम, आपकी चेकबुक, आपकी पासबुक, नेट बैंकिंग, सभी चीजें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आप किस तरीके से इसकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।